सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। कैसे आप सभी लोग, तो हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे तरीके का बहुत ही जानदार टूल लेके आए, जो है बहुत छोटा सा लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। तो ये टूल है सैमसंग अकाउंट रिमूवर का। सैमसंग का अकाउंट आप रिमूव कर सकते हैं। FRP अलग चीज़ होता है, अकाउंट अलग, सैमसंग अकाउंट अलग चीज़ होता है। तो सैमसंग अकाउंट को आप या डोंगल से या Z3S बॉक्स से ही आप रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम लाए हैं, आप क्रेक फाइल से भी आपको सैमसंग का अकाउंट आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो धन्यवाद। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम ये आपको, हम बहुत ही छोटा सा फाइल है, आप देख सकते हैं कितने MB का फाइल है, KB का फाइल है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप अकाउंट, सैमसंग के अकाउंट और FRP दोनों रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पासवर्ड तो जानते हैं आप, पासवर्ड भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हैं, ये हमारा सैमसंग अकाउंट रिमूवर यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो हम देख सकते हैं ये आपको चार फाइल मिलेगी। सबसे नीचे पे आपको मिलेगा FRP सैमसंग टूल, इसी को आपको ओपन करना है। तो अब देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। ये 100% तक काम करता है फ्रेंड, इसलिए कि हमने यहाँ पे चेक करके देख चुका है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन मोड आपको दिया है। आपको सिंपली से आपको अपना पोर्ट स्कैन करा लेना है यहाँ पर, उसके बाद आपको सैमसंग अकाउंट अगर रिमूव करना है तो डायरेक्ट अकाउंट रिमूव कर दीजिए, गूगल अकाउंट भी है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। और आप जानते हैं रिबूट डाउनलोड मोड, अगर आप डायरेक्ट अपने फ़ोन को ऑन तरीके में आप लगा के डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे वो, तो वो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन यहाँ पर डाउनलोड मोड पर ला देगा। अगर आपका फोन लगा है डेटा केबल मोड से कनेक्ट है तो अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये था आपका ADB मोड में, अब चलते हैं डाउनलोड मोड में। अब चल के आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका साइनोस है, एक्सनोस है या क्वालकम है, आप फ्लैश भी कर सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा टूल है, इससे आप सैमसंग के किसी फ़ोन के FRP रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड हमारे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद।